Hey guys, क्या आपको पता है कि आप घर बैठकर भी पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आपको क्या करना होगा, देखते हैं इस वीडियो में। मैं हूं रॉबिन और आप सबका स्वागत है टेक्नोपार्क चैनल में। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो टेक्नोपार्क चैनल में, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप घर बैठकर भी पैसे कमा सकते हो, तो आपको लगेगा बस एक स्मार्टफोन और जो स्टेप्स मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये है दोस्तों ब्लॉग्स लिखना। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमें कोई भी इशू आता है आजकल, तो हम कहाँ जाके सर्च करते हैं, वो है गूगल में। तो दोस्तों, उसमें जो सर्च कंटेंट आता है वो सारे ब्लॉग्स ही होते हैं। हमारी तरह किसी ना किसी ने लिखा हुआ ब्लॉग्स हम रीड करते हैं और हमारे क्वेरीज का आंसर होता है उन सारे ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, ब्लॉग लिख सकते हैं दो तरीके से, एक है वेबसाइट के थ्रू और दूसरा है फ्री, जो कि ब्लॉगर्स के थ्रू हम लिख सकते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है दोस्तों, तो उसकी ओर हम जाएंगे नहीं अभी, तो हम पहले जाते हैं ब्लॉगर्स की ओर। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि ब्लॉग होता क्या है। तो ब्लॉग होता है एक वेबसाइट या फिर एक वेब पेज जो अपडेट होता है रेगुलरली और सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी नीश या कंटेंट को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इमीडिएटली ब्लॉगर पर आ जाए और अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ब्लॉग लिखने से आपको पैसे मिलेगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग आपके ब्लॉग्स आकर पढ़ेंगे और वो लोग आपको पैसे देंगे, ऐसा होता नहीं है। तो इस वीडियो का आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉग लिखने से आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग लिखने के काफ़ी सारे टाइप्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एक राइटर होना ज़रूरी है सारे ब्लॉग्स लिखने के लिए। कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, जो कि है लिरिक्स को लेके। अगर आपको सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद है, तो उसके लिरिक्स एक नोटपैड में नोट कर लीजिए, उसके बाद जाके ब्लॉगर में जाके अपडेट कर दीजिए। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो सॉन्ग के लिरिक्स गूगल में जाके सर्च करते हैं, तो अगर उनको वो लिरिक्स चाहिए जो आपने लिखा है, तो इमीडिएटली वो गूगल सर्च में मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, अगर आपको पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो उसके न्यूज़ कंटेंट को आप ब्लॉग्स में लिख सकते हो, और ये ब्लॉग्स को काफ़ी अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, तो इसे काफ़ी व्यूअर्स आके आपके ब्लॉग्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कुकिंग के रेसिपीज नोट डाउन करके सारे ब्लॉग्स में लिख सकते हो। डेली एक 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 रेसिपी आप उसमें डाल सकते हो और आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, ये सब मैंने सिर्फ छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको प्रेजेंट किए हैं, आप काफ़ी अलग अलग कंटेंट के ऊपर ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ब्लॉगर्स में, वो है एक जीमेल आईडी का होना। तो आपको सबसे पहले एक जीमेल आईडी बनाना होगा। आपके पास अगर एक जीमेल आईडी है, तो आप इमीडिएटली ब्लॉगर्स पे रजिस्टर करके अपना ब्लॉग लिखना चालू कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, ब्लॉगर्स गूगल का ही ओन्ड एक वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये पूरी तरह फ्री मिलेगा आपको। आपको बस इंश्योर करना है कि आप यहाँ पे कोई भी अनवांटेड, इलीगल या रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स को लेके कोई भी डेटा ना डाले, वरना गूगल आपका इमीडिएटली ब्लॉगर्स से अकाउंट डिलीट कर देगा। तो देखते हैं दोस्तों, ब्लॉगर्स में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको bloggers.com पे। तो साइट ओपन होते ही आपको पेज कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट योर ब्लॉग पर। उसके बाद दोस्तों, आपको पूछा जाएगा आपका जीमेल आईडी, जो आपको एंटर करना है। तो दोस्तों, मेरा जीमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने की वजह से यहाँ पे आपको मेरा जीमेल आईडी दिख रहा है। फिर आपको पूछा जाएगा टाइटल, यह है आपके ब्लॉग का टाइटल। तो आप जो भी कंटेंट के बारे में लिखना चाहते हो, तो आप उसका टाइटल लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आप कुकिंग के बारे में लिखना चाहते हो, तो आप कुकिंग को लेकर यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ टाइटल है, ना कि कोई वेब एड्रेस, तो इसमें आप जैसा चाहे वैसा आप टाइटल लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ जॉब्स का। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हो। तो इस पर भी आप न्यूज़पेपर या अलग आपको कहीं से भी कोई भी पोर्टल से आपको ईमेल आता है जॉब के बारे में, तो आप पूरा कंटेंट उठाकर ब्लॉगर्स में डाल सकते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो डेली बेसिस पे। आपको बस इसका फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आप फ्रीक्वेंटली जॉब पोस्टिंग आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर दोस्तों, टाइटल एंटर करने के बाद आएगा आपका वेब एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका वेब एड्रेस काफ़ी यूनिक डालना पड़ेगा,
क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं अभी भी मार्केट में, तो इन्होंने जो मेजॉरिटी जो सिंपल लिखने वाले वेब एड्रेस है वो सारे यूज़ हो चुके होंगे, तो आपको एकदम यूनिक चूज़ करना होगा और यहाँ पे एंटर करना होगा। और दोस्तों ये गूगल की तरफ से फ्री होने की वजह से इसका डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट blogspot.com रहेगा, ना कि आपको इंडिविजुअल आपका .com या .in मिलेगा। ये फ्री होने की वजह से गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट blogspot.com रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा, यहाँ एकदम यूनिक आपको एंटर करना पड़ेगा वेब एड्रेस, क्योंकि मेजॉरिटी यूज हो चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो करेगा नॉट अवेलेबल का। उसके बाद दोस्तों आपको पूछेगा प्रोफाइल नेम, तो यहाँ आप खुद का नाम भी लिख सकते हो या आपको कुछ अलग यूनिक नाम यहाँ पे भी डालना है तो आप वो डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे आप प्रोफाइल नेम एंटर करते हो आपका ब्लॉगिंग साइट रेडी है, और जैसे ही आप ऊपर व्यू योर ब्लॉग ऑप्शन पे क्लिक करते हो ऊपर आपका वेब एड्रेस आपको दिख जाएगा जो आपने चूज़ किया था। तो अभी हम देखते हैं आगे इसके फीचर्स के बारे में, यहाँ पे ब्लॉग्स कैसे लिखना है और कहाँ कहाँ क्या क्या फीचर्स है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस लिखा है तो इसे आप क्लोज कर सकते हो डायरेक्टली। फिर लेफ्ट साइड में मिलेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस, चलते हैं वो ऑप्शंस की ओर। तो पोस्ट ऑप्शन वो ऑप्शन है दोस्तों जहाँ आपको दिखेगा सारे ब्लॉग्स जो आपने पोस्ट किए हैं। उसके बाद है दोस्तों स्टैट्स, यहाँ दिखेगा जिन्होंने आपको फॉलो किया है, कितने आपके ब्लॉग्स हैं, उसके बाद कितने कमेंट्स आए हैं आपके ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट्स का अलग ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे पूरा कमेंट्स का सेक्शन आपको दिख जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अर्निंग्स, तो अर्निंग्स का टॉपिक हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि उसके साथ मुझे आपको और एक स्टेप दिखाना है। फिर उसके नीचे मिलेगा आपको लेआउट, थीम्स और फिर सेटिंग्स। तो दोस्तों लेआउट वो ऑप्शन है जहाँ पे आपको जैसा आपके व्यूअर्स को आपका वेब पेज शो करना है आप वैसे शो कर सकते हो, कहाँ क्या शो करना है जैसे कि अबाउट मी या फिर आपके ब्लॉग्स कहाँ होने चाहिए, ये सब आप लेआउट ऑप्शन में आप शो कर सकते हो। उसके बाद है थीम, थीम दोस्तों आपको जैसा थीम चाहिए आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉगस्पॉट में जो भी ऑप्शंस है यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, जो भी ऑप्शंस आपको पसंद आएगा आप वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों सेटिंग्स, तो दोस्तों सेटिंग्स में मोस्टली गूगल ड्रिवन सारे सेटिंग्स है यहाँ पे प्राइवेसी वगैरह आपको चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर आप ज़्यादा चेंज करने आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं ब्लॉग्स। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे राइट साइड बॉटम पे आपको मिलेगा एक प्लस का आइकॉन, तो इस आइकॉन को आप जैसे क्लिक करोगे आपका एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लॉग्स। तो दोस्तों सबसे ऊपर आएगा आपका टाइटल, तो आपका टाइटल दोस्तों काफ़ी यूनिक होना चाहिए जो कि अट्रैक्शन होना चाहिए एक व्यूअर्स को कि ये कंटेंट में उनको उनके क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा, तो आपको उस हिसाब से आपका टाइटल प्रेजेंट करना है। उसके बाद आएगा दोस्तों नीचे बॉडी का कंटेंट, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा एडिट किया हुआ कंटेंट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ पूरा, तो यहाँ पे आपका कंटेंट लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक फीचर है, आप अलाइन कर सकते हो, ऊपर आपको काफ़ी सारे अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं इससे आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या करना है। यहाँ पर आप अलग इमेजेस एम्बेड कर सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन से इमेजेस कहाँ प्लेस करने हैं, तो आप उस हिसाब से इमेजेस प्लेस कर सकते हो। बस इतना इंश्योर करना है आपको कि वो सारे इमेजेस कॉपीराइट ना हो, आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड करने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका ब्लॉग तैयार, इसी तरह आप सारे डेली ब्लॉग्स लिख सकते हो और पब्लिश कर सकते हो और आपके व्यूअर्स डेली आके आपके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसकी आखिरी स्टेप की ओर जो कि अर्निंग्स, तो आप सब वेट कर रहे होंगे कि ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एड्स जो भी शो होता है यहाँ पर आपके ब्लॉग्स में, उस ब्लॉग्स को कितने विजिटर्स आके डेली पढ़ते हैं उस बेसिस पर आपको अर्निंग्स मिलेगा। तो दोस्तों जब आप अर्निंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डोमेन चूज करने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा लिस्ट आएगा, ये सारे पेड डोमेन्स है दोस्तों। तो अगर पेड डोमेन आपको खरीदना ही है तो काफ़ी अदर ऑप्शंस भी है जैसे वर्डप्रेस, गोडैडी, यहाँ से भी आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे वर्डप्रेस या गोडैडी आपको आपका वेबसाइट कस्टमाइज करने देगा, लेकिन ब्लॉगर से अगर आप खरीदोगे तो आपको प्रॉपरली कस्टमाइज करने मिलेगा नहीं। तो दोस्तों करते हैं इसे कैंसिल, उसके बाद जाते हैं नो थैंक्स पर। तो यहाँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है ऐसा शो कर रहा है क्योंकि आपने अभी तक एक भी ब्लॉग लिखा नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप पहले ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करें, ना कि इमीडिएटली पैसे की ओर भागे। ब्लॉग्स लिखिए, धीरे धीरे ब्लॉग्स लिखकर एक महीना या दो महीना वेट कीजिए, उसके बाद एडसेंस का अकाउंट गूगल एडसेंस में जाके ओपन कर दीजिए।
गूगल एडसेंस का वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आपको आपका ईमेल आईडी रजिस्टर करना है और इमीडिएटली आपका ब्लॉग एडसेंस के लिए रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन फिर से मेरा सजेशन वही है दोस्तों कि आप 1 से 2 महीना आपका ब्लॉग्स लिखिए, उसके बाद ट्राई कीजिए एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का, ताकि आपको आपका फैन फॉलोइंग ऑलरेडी मिल जाएगा और काफ़ी सारे व्यूअर्स आपके ब्लॉग्स डेली पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना और एटलीस्ट 2-3 महीना आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसे एज अ पार्ट टाइम भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम बैठ के इसे करना है, आप पार्ट टाइम भी बैठ के इसे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी हेल्प लगा ब्लॉगिंग कैसे करना है या कहीं पे आप स्टक हो गए, तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे पिंग कीजिए और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ समझ आया होगा कि ब्लॉगिंग कैसे करना है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।